Hello everyone, really hope that you all are doing great, and today we will start our new lesson, that is system approach. आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम अप्रोच को. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या होती है और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी अर्लियर क्लासेस में. आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम अप्रोच, जो कि पार्ट है किसका, मॉडर्न अप्रोच का. मॉडर्न अप्रोच के टू पार्ट्स हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट है सिस्टम अप्रोच और सेकेंड है कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच. उसे हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे. इस लेसन में हम डिस्कस करते हैं सिस्टम अप्रोच क्या होती है. लेट अस स्टार्ट. सिस्टम अप्रोच है वो स्टडी करती है ऑर्गेनाइजेशन को, टोटैलिटी, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती है. द म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल आर प्रॉपरली एनालाइज्ड, और जो म्यूचुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको भी प्रॉपर वे से एनालाइज करती है, और दोनों के दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल को स्टडी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, सिस्टम अप्रोच के अंदर हम इंटरनल वेरिएबल्स को भी स्टडी करेंगे और एक्सटर्नल वेरिएबल्स को भी स्टडी करेंगे. और जो इस अप्रोच के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन को पूरा का पूरा स्टडी करते हैं. द आउट दिस थ्योरी पासेस ए मच हायर कंसेप्चुअल लेवल एज कंपेयर टू द अर्लियर थ्योरी. और इस जो थ्योरी का कैसा लेवल है, किस टाइप का लेवल है, हायर कंसेप्चुअल लेवल है. बट डिफरेंट राइटर हैव गिवन द वेरिएड व्यू ऑफ दिस सिस्टम. लेकिन हर एक राइटर ने अलग अलग व्यू दिए हैं इस सिस्टम के लिए. ठीक है, क्या पढ़ाया हमने इस पैराग्राफ के अंदर कि सिस्टम अप्रोच क्या होती है. सिस्टम अप्रोच स्टडी करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, टोटल पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती है, और इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम कैन वेल बी अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई बाय द वेरियस सब सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो हम किससे ईजी वे से अंडरस्टूड कर सकेंगे, वेरियस सब सिस्टम के थ्रू. अब हमें पता होना चाहिए कि सब सिस्टम होता क्या है. एक ऐसा पार्ट जो पूरे के पूरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट, द पार्ट दैट मेक अप द होल ऑफ ए सिस्टम कॉल्ड द सब सिस्टम. ठीक है, ईच सब सिस्टम मे बी आइडेंटिफाई बाय द सर्टेन प्रोसेस. हर एक सब सिस्टम का एक प्रोसेस होता है, एक रोल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्म्स होता है. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो डिपार्टमेंट है, प्लांट का सबसिस्टम क्या है, एक डिपार्टमेंट हो सकता है. ठीक है, प्लांट एक सबसिस्टम किसका हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, और कंपनी किसका सबसिस्टम हो सकता है, एक इंडस्ट्री का हो सकता है, और इंडस्ट्री किसका सबसिस्टम हो सकता है, इकोनॉमी का. ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया कि सबसिस्टम क्या होता है. द पार्ट दैट मेकअप द होल ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड द सब सिस्टम. ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम का जो एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब सिस्टम. जो डिपार्टमेंट है वो किसका सब सिस्टम है, प्लांट का. प्लांट किसका सब सिस्टम है, कंपनी का. कंपनी किसका सब सिस्टम है, बताओ कंपनी किसका सब सिस्टम होगी, कंपनी सब सिस्टम है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री किसका सब सिस्टम होगी, इकोनॉमी का. ओके, अब हम देखते हैं जो कटेंस एंड काहू है उन्होंने 5 सब सिस्टम को डिफाइन किया है. फर्स्ट है टेक्निकल सब सिस्टम, सेकेंड इज द स्पोर्टिव सब सिस्टम, थर्ड इज द मेंटेनेंस ऑफ सब सिस्टम, फोर्थ इज द अडेप्टिव सब सिस्टम, एंड फिफ्थ इज द मैनेजरियल सब सिस्टम. टेक्निकल सब सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है नॉलेज, टेक्निक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इन टू द आउटपुट, की कितनी नॉलेज है, कौन कौन से टेक्निक यूज हो रही है इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करने में. ठीक है, टूल्स एंड इक्विपमेंट, एम्प्लॉय स्किल्स, जॉब इटसेल्फ, ये सभी की सभी चीज़ें टेक्निकल सब सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है. टेक्निकल जो सब सिस्टम है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है फंक्शंस का, और टेक्निकल सब सिस्टम कंसर्न होता है विद द वर्क दैट गेट्स डन. ओके, क्लियर हो गया. टेक्निकल सब सिस्टम के अंदर क्या होता है कि नॉलेज और टेक्निक्स, नॉलेज इंक्लूड होगी, टेक्निक्स इंक्लूड होगी, जिससे कि इनपुट ट्रांसफर हो रही है आउटपुट के अंदर. टूल्स और इक्विपमेंट कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कितनी नॉलेज लग रही है, कौन कौन सी टेक्निक्स लग रही हैं, एम्प्लॉयज के अंदर कौन सी स्किल्स हैं, जॉब इटसेल्फ, ये सभी की सभी चीज़ें टेक्निकल सब सिस्टम के अंदर आती है. टेक्निकल सब सिस्टम कंस्टिट्यूट द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शन. टेक्निकल सब सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है फंक्शंस का. स्पोर्टिव सब सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्रोक्योरमेंट, डिस्पोजल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, स्पोर्टिव सब सिस्टम में. और हम क्या देख सकते हैं, इसको हम सोशल सब सिस्टम भी बोल सकते हैं. इसके अंदर इंक्लूड होता है इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ग्रुप, सोशल और ग्रुप नॉर्म्स, स्टेटस, रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यू.
ओके, सोशल सब सिस्टम में हम ये सब इंक्लूड करते हैं, और वैल्यू और अनरिटन एक्सेप्टेड नॉर्म्स वो भी हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, सोशल सब सिस्टम के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनेंस सब सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं कि पीपल जो लोग हैं वो फंक्शनल रोल को प्ले करें, दैट इज द मेंटेनेंस सब सिस्टम। नेक्स्ट इज द अडेप्टिव सब सिस्टम। अडेप्टिव सब सिस्टम कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से, कि कैसे हमारे को चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, अडेप्टिव सब सिस्टम। मैनेजरियल सब सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हम डायरेक्शन, एडजक्शन और कंट्रोल ऑफ द मैनेज सब सिस्टम एंड द एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, मैनेजरियल सब सिस्टम। मीन्स जो सभी के सभी कई सारे जो सब सिस्टम है उनको कंट्रोल करेंगे, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और एंड एक्टिविटीज को देखेंगे, दैट इज द मैनेजरियल सब सिस्टम। पांच अप्रोचेस को डिस्कस किया है जो कर्टन्स एंड काहोन ने दी है। फाइव सब सिस्टम होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज द टेक्निकल, सेकंड इज द स्पोर्टिव, थर्ड इज द मेंटेनेंस, फोर्थ इज द अडेप्टिव एंड द मैनेजरियल। एंड पावर सब सिस्टम भी आप इंक्लूड कर सकते हो। मीन्स द पावर कैन बी डिफाइन एज द कैपेसिटी टू इंड्यूस अदर टू प्रोड्यूस एंड इन टीन रिजल्ट थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, पावर सब सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या है। पावर का मतलब है कि कैपेसिटी की क्या, कितनी कैपेसिटी है कि हम इंड्यूस कर सकते हैं दूसरों को कि वो जो रिजल्ट है वो इजिली वे से प्रोड्यूस करे। जैसे हम पावर सब सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं हम ऑफिशियल अथॉरिटीज को, लोकेशन, जॉब इंपॉर्टेंस, एक्सपीरियंस एंड द टेन्योर। ओके, फॉर्मल स्ट्रक्चर एक प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। अब आपको पावर सब सिस्टम क्या होता है कि एक इंडिविजुअल एक्वायर कर लेता है पावर किस वे से, कि स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी इन टेकिंग द राइट डिसीजन एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैम इन टू द इफेक्टिव एक्शन विद द सक्सेसफुल रिजल्ट। मीन्स एक पर्सन ने अथॉरिटी ले ली, एक पावर ले ली कि वो अपना डिसीजन लेने के लिए स्किल्स को, नॉलेज को, कॉम्पिटेंसीज को सबको अच्छे वे से यूज करेगा, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इफेक्टिव एक्शन में और जिससे कि जो रिजल्ट हो वो सक्सेसफुल वे से प्रोड्यूस हो। अब हम देखते हैं कि फीचर्स कौन कौन सी होती हैं सिस्टम अप्रोच की। सिस्टम अप्रोच बेस्ड होता है जनरलाइजेशन के ऊपर, दैट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट। सिस्टम अप्रोच किसके ऊपर बेस्ड होता है, जनरलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर जो हर एक चीज इंटर रिलेटेड होती है और इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और जो एक सिस्टम है वो कंपोज्ड होता है रिलेटेड एंड द डिपेंडेंट एलिमेंट। किससे मिला हुआ होता है एक सिस्टम, रिलेटेड और डिपेंडेंट एलिमेंट से। इन विच वैन इट इन इंट्रेक्शन फॉर्म ए यूनिट्री होल। मीन्स अगर किसी के अंदर भी चेंजेस होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। मीन्स सिस्टम इज द कंपोज्ड ऑफ द रिलेटेड एंड द डिपेंडेंट एलिमेंट विच वैन इन इंट्रेक्शन फॉर्म्स ए यूनिट्री होल। ओके, मीन्स अगर किसी के अंदर भी चेंजेस आएगी पूरे का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ए सिस्टम इज ए सिंपली एन ए असेंबलेज और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स और पार्ट्स फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स होल। समझ आ गया, सिस्टम क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है सभी चीजों का और पार्ट्स फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स होल। एंड वन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स इज दैट इट इज कम्पोज ऑफ द हायरार्की ऑफ द सब सिस्टम। सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या होता है कि ये कम्पोज होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, सब सिस्टम की हायरार्की का। दिस इज द पार्ट फॉर्मिंग द मेजर सिस्टम एंड सो ऑन। ओके, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कैन बी कंसिडर टू बी ए सिस्टम। एक जो पूरा का पूरा जो वर्ड है वो क्या है, एक सिस्टम है। और उसके अंदर क्या है, वेरियस नेशनल इकोनॉमीज हैं, वो क्या है, सब सिस्टम है। अब क्लियर हो गया कि सब सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सब सिस्टम क्या होता है, दैट इज एक जो ये पूरा का पूरा संसार है वो क्या है, सिस्टम है। और जो उसके अंदर नेशनल इकोनॉमिक्स है वो क्या है, सब सिस्टम होती है। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम अप्रोच किससे कंसर्न होती है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर कंटेन होते हैं क्या क्या, वेरियस सब सिस्टम इंक्लूड होते हैं। और एक जो सिस्टम थ्योरी, एक बिग पिक्चर अप्रोच है जो कि ओवरकम करती है वीकनेस ऑफ द व्यूइंग थिंग टू नैरो पर्सपेक्टिव। ओके, अब हम बात करते हैं इन टर्न, ईच नेशनल इकोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज, ईच इंडस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ द फर्म्स। जैसे कि जो नेशनल इकोनॉमी किससे कंपोज है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वेरियस इंडस्ट्रीज, और हर एक इंडस्ट्री किससे कंपोज है, वेरियस फर्म्स। पता होना चाहिए नेशनल इकोनॉमी मीन्स कंपोज ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स कंपोज ऑफ द वेरियस फर्म्स।
and a course of forms can be considered as a system composed of a subsystem, ठीक है, such as a production, marketing, finance and the so on. पूरी के पूरी जैसे organization है उसके अंदर production का department अलग है, marketing का department अलग है, finance का department अलग है, accounting का department अलग है, that is subsystem. Okay, अब हम देखते हैं features. Features ही हमने पहले discuss किए हैं, कुछ और फीचर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरेक्टिंग एलिमेंट. ए सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कई सारे एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मींस इट इज अ सेट ऑफ द इंटर रिलेटेड एंड द इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स अरेंज्ड इन ए मैनर दैट प्रोड्यूस्ड ए यूनिफाइड होल. ओके, सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कई सारे एलिमेंट्स होते हैं इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट, जिस जो कि अरेंज किए जाते हैं इस मैनर से कि वो एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे. और कई सारे सब सिस्टम इंक्लूड होते हैं इन देयर इंटर रिलेशनशिप रादर देन इन द आइसोलेशन फ्रॉम ऑफ द ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हैज ए बाउंड्री. एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, एक बाउंड्री होती है जो कि डिटरमाइन करती है विच पार्ट्स आर द इंटरनल एंड विच पार्ट्स आर द एक्सटर्नल. ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक बाउंड्री होती है वो जो डिसाइड करती है कौन से पार्ट इंटरनल है और कौन से एक्सटर्नल है. ए सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन मटीरियल एंड एनर्जी फ्रॉम अदर सिस्टम एज ए इनपुट. ठीक है, जो सिस्टम है वो वैक्यूम नहीं होता, वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन मटीरियल और एनर्जी दूसरे सब सिस्टम से. कैसे, उससे क्या उसको रिसीव होता है, इनपुट रिसीव होता है, और जो ये इनपुट है वो प्रोसेस करता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आउटपुट के अंदर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्स देता है एनवायरमेंट को एंड इट इज वल्नरेबल टू चेंज इन इट्स एनवायरमेंट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम अप्रोच एंड फीचर्स ऑफ द सिस्टम अप्रोच. एंड नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी का सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉन्टिजेंसी और द सिचुएशनल अप्रोच. थैंक यू एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर माई लेसन एंड ऑल्सो फॉलो माई प्रोफाइल. इफ यू फॉलो माई प्रोफाइल देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन न्यू लेक्चर इज अपलोडेड. थैंक यू.